सारे का मेरे चैनल पर बहुत ही स्वागत है जी। आई होप तुम सारे जने ठीक होवोगे। तो जो मैं अज की वीडियो थोड़े लिए लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ गार्नियर का जो सीरम मास्क आ, कि जिदा हुण साढ़े कई वेले नहीं टाइम लगता कि आप फेशियल करवा लीए जां घरे कर लीए, तो वह सिर्फ 15 मिनटां दे विच असी अपने फेस से अप्लाई करके ग्लो लिया सकते हैं, इंस्टेंट कर सकते। जिदा लाइक मॉर्निंग जो आप जाना तो 15 मिनट पहला आप फेस से मेकअप करने तो पहला वो अप्लाई कर लो मास्क, जो सीरम मास्क आ ते जिहड़ी शीट आ फेस ते, ते 15 मिनट तुसी अपना ग्लो देख सकते हैं, ते बहुत ज़्यादा ग्लो कर दिंदा आ। ते इहदा एमे दी पैकेजिंग हुंदी है गार्नियर दी, देखो ते ये की है, ये की कहिंदा आ कि इहदे विच एक वन टोन ब्राइटर स्किन हो जाती है साड़ी 15 मिनटां दे विच, कि मतलब जो साड़ी नैचुरल स्किन का कलर है ना वो तो थोड़ा जिहा होर मतलब ब्राइटर हो जाता है। ये की है विटामिन सी एंड मिल्की एसेंस आ, जिहड़ा कि तुहानू पता ही आ विटामिन सी तो वैसे भी साड़ी स्किन काफ़ी ब्राइट कर दिंदा, बहुत वधिया हुंदा आ। तो इस इहदे विच एक दे सिर्फ एक मास्क हुंदा आ जिहदे विच सिर्फ असी एक हफ्ते दे वन वीक ऑफ सीरम लाइक जिहड़ा एक मास्क आ, तो असी कह लो कि पूरे हफ्ते का जिहड़ा सीरम है ना वह मास्क पूरा अप्लाई कर रहे हैं, एक हफ्ते तक थोड़े फेस से ग्लो एवें ही रहिंदा आ। तो तुसीं जिहड़ा आ यूज़ आफ्टर वन वीक कर सकते हैं, तो एक हफ्ते तक थोड़े फेस से पूरा ग्लो रहेगा। तो इहदे विच की एक शीट होंगी थोड़ा मैं अगे थोड़ा सारा दिखावगी, और फेस से अप्लाई कर देनी जोड़ा ब्लू वाला कलर हों, आप अनफोल्ड करके रिमूव कर देना है, तो जी वाइट जी शीट होंगी 15 मिनट अपने फेस से एवं स्टे रहन देना, तो बाद रिमूव कर लेना है। तो जोड़ा एक्सैस जोड़ा सीरम जोड़ा म मेरा जोड़ा हैगा साढ़े हों लगा उन्होंने ज्यादा तो कॉटन के नाल साफ कर सकते हैं, जो एवें रब कर लो कि जो थोड़े स्किन के अंदर अबजॉर्ब हो जाए तो होर ज़्यादा थोड़े इफेक्टिव थोड़ू रिजल्ट दे। सो इहदा प्राइज हैगा एम आर पी हैगा 100 99 या कह लो 100 का ही आ। तो इहदी शैल्फ लाइफ हुंदी आ पूरे 1.5 साल की दित्ती है उन्होंने, तो 30 ग्राम इहदा कंटेंट है, तुहानू पता ही आ सिर्फ एक इहदे विच एक मास्क आउंदा आ, ते बहुत डरमोटोलॉजिकल टेस्टड आ, ते मैनू बहुत ज़्यादा पसंद आ, क्योंकि मैं अक्सर कई वेले मतलब हुण जिद्दां जिन्हां दे खास करके जिन्हां दे बेबीज आ तां होर कई हाउस होल्ड मतलब लेडीज़ आ उन्हां को बिल्कुल भी टाइम नहीं हुंदा अपने घरां दे विच्चों कि अपने आप लई है ना ध्यान अपने आप लई टाइम नहीं निकलदा हैगा, ये गल सच्ची आ। तो इस करके ये बहुत ही गार्नियर वाले ने वधिया ये चीज़ कढ़ी आ कि तुसीं 15 मिनटां दे विच रिजल्ट देख सकते हैं अपने फेस से, तो तुसीं इहनूं अप्लाई कर दो, कुछ भी औखा नहीं हैगा बिल्कुल भी। इहदे विच बाद विच ना जो एक बार आप फेस से अप्लाई कर लें थोड़ा बहुत सीरम रह जाता, वह बाद जो तुसी कोई भी मेकअप करते हैं जां उन्हूं ही फिर दोबारा शीट नूं एक बार यूज़ कर सकते हैं, वो जिहड़ा रह जाता है उहदे नाल चंगी तरह वाइप्स उहदे नाल करके तो फेस से दोबारा अप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे एक बार लिए अप्लाई हुंदा पर जे तुहानूं लगता कि उहदे विच शीट दे विच उह जिहड़ा हैगा है थोड़ा बहुत तुसी फिर भी दोबारा तो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जे तुहाडा रह जाता है जे तुसी उह नहीं फेस से शीट लाउणा चाहुंदे हैगे तो तुसी इनू जिदा मेकअप करने तो पहला फे एज आ कह लो जिदा लोशन की तरह मूँह तो फेस से अप्लाई कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। सो तो अगे थोड़ा मैं सारी वीडियो दिखानी है कि मैं सर थोड़ा सारा डेमो करके दिखावगी कि किदा अपने फेस से अप्लाई करना जी। Oh,
ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਸੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀਰਮ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਊਂਡ ਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਨੀਚੇ ਆ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੈਣ, ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗਲੋ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਫੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਫੇਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਫੇਸ ਕਾਫੀ ਗਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਬਾਏ।